वेलकम टू इंग्लिश टू। माई नेम इज़ आमिर हुसैन कुरैशी एंड आई एम योर टीचर फॉर इंग्लिश टू। दिस इज़ अवर फोर्थ लेक्चर एंड वी आर लर्निंग थ्री स्टेप राइटिंग प्रोसेस। इन द लास्ट लेक्चर वी बिगिन विद राइटिंग बिजनेस मैसेजेस एंड दिस इज़ अवर सेकेंड लेक्चर अबाउट राइटिंग बिजनेस मैसेजेस। इन अवर लास्ट लेक्चर वी बिगिन विद राइटिंग बिजनेस मैसेजेस। वी डिस्कस्ड हाउ टू अडॉप्ट the you attitude, how to build your credibility, how you can build your company's image that can help you in communicating with your audience. In today's lecture, we are going to explain how to achieve a tone that is conversational but business-like, explain the value of using plain language, and define active and passive voice. Describe how to select words that are not only correct but also effective. Define the four types of sentences and explain how sentence style affects emphasis within a message. Define the three key elements of paragraph and list five ways to develop coherent paragraphs. Identify the most common software features that help you craft messages more efficiently. Let's begin with adapting to your audience. Controlling your style and tone. Whenever we write a message, we select a specific word, we select specific sentence structure, we write in a very specific way. And by our words and sentences, we convey a very specific tone that affects our relation with our audience. How you can control your style and tone? By creating a conversational tone. Try to adopt a conversational tone while communicating with your customer or with your audience. Understand the difference between texting and writing. Texting और writing के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझें। Texting में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कभी हम message लिखते हैं, हम message में short forms का इस्तेमाल करते हैं। For example, कॉलेज को मुकम्मल लिखने के बजाय हम CLG लिख देंगे। इसी तरह मैसेज के लिए हम MSG का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन राइटिंग में, वाइल राइटिंग समथिंग, आप इस तरह वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। अवॉइड अब्सोल्यूट एंड पॉम्पस लैंग्वेज। कोशिश करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ ना करें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ ना करें, सिंपली बातचीत करें। अवॉइड प्रीचिंग एंड ब्रेकिंग। आपने कोई भी मैसेज, कोई भी बात करनी है, आप उसे क्लियर कट अपने पैराग्राफ में उसको मेंशन करें। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें, अपने सेंटेंस को ब्रैग ना करें कि जिससे कोई भी नेगेटिव असर आपकी ऑडियंस या कस्टमर पर पड़े। बी केयरफुल विद इंटीमेसी। अनप्रोफेशनल बिहेवियर को आप अपनाएं ना। आप कोशिश करें इन अ फॉर्मल वे जो बात आपने करनी है वो बात करें। बी केयरफुल विद ह्यूमर। मजाक ना करें अपनी ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर के साथ। आप जिस हद तक भी उसको जानते हैं, आपका उसके साथ एक रिलेशन है, लेकिन आप वाइल हैविंग अ बिजनेस कम्युनिकेशन ट्राई टू बी मोर फॉर्मल। 3.2 यूजिंग प्लेन लैंग्वेज। प्लेन लैंग्वेज यूज़ करने से मुराद ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, ऐसी लैंग्वेज के जिसके ज़रिए आपकी बात आसानी से आपके कस्टमर या ऑडियंस को समझ आ जाए। प्लेन लैंग्वेज प्रेजेंट्स थिंग्स इन अ सिंपल अनअडॉर्न्ड स्टाइल दैट अलाउज योर ऑडियंस टू ग्रैप्स योर मीनिंग। लैंग्वेज दैट रिसिपिएंट्स कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन द फर्स्ट टाइम दे रीड इट। प्लेन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसे फर्स्ट टाइम जब रीडर पढ़ता है वो उसे समझ भी लेता है और उस पर वो एक्शन भी ले सकता है। प्लेन लैंग्वेज यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि कंपनीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बात जब आसानी से आपके कस्टमर या आपकी ऑडियंस को समझ आएगी तो उसके लिए आपके साथ कम्युनिकेट करना या काम करना आसान हो जाता है। सिलेक्टिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस से मुराद एक ऐसा सेंटेंस वेयर द डूअर इज़ एक्टिव, जहाँ काम करने वाला एक्टिव होता है। इट मेक्स यूर राइटिंग मोर डायरेक्ट, लाइवलियर एंड ईजियर टू रीड। एक्टिव वॉइस
में जब आप बात करते हैं तो आपकी बात डायरेक्ट होती है, बड़े वाजे अंदाज में होती है और उसको समझना आसान होता है। ऑन दी अदर पैसिव वाइज क्या है कि द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो पैसिव होता है और वो कोई एक्शन रिसीव कर रहा होता है। इट मेक्स योर मैसेज कम्बरसम, लेंथी एंड वेक, इसमें आपका मैसेज लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, समटाइम बात रीडर की समझ में नहीं आती। तो वाइल हैविंग अ बिजनेस कम्युनिकेशन तो आप कोशिश करें कि आप एक्टिव वॉइस में बात करें। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर पैसिव वॉइस कैन हेल्प डेमोंस्ट्रेट द यू एटीट्यूड। यहाँ पे कुछ सूरत हाल ऐसी भी है कि जहाँ पर पैसिव वॉइस आपको यू एटीट्यूड डेमोंस्ट्रेट करने में हेल्प आउट करता है। तीन कंडीशंस हैं, व्हेन यू वांट टू बी डिप्लोमेटिक अबाउट पॉइंटिंग आउट अ प्रॉब्लम और एन एरर, सेकेंडली व्हेन यू वांट टू पॉइंट आउट व्हाट्स बीइंग डन विदाउट टेकिंग और एट्रीब्यूटिंग आइदर द क्रेडिट और द ब्लेम, एंड द थर्ड वन इज व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल प्रोनाउंस आई एंड वी इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव टोन। कंपोजिंग योर मैसेज, choosing powerful words. As you write your first draft, let your creativity flow. Don't try to write and draft edit at the same time and don't worry about getting everything perfect. जब कभी भी आप कुछ भी लिखने के लिए बैठते हैं, at first जो कुछ भी आप लिखने लगते हैं, let your creativity flow. जो भी बात आपके जहन में आ रही है आप उसको लिखते जाएं. Don't try to write and draft edit एट दी सेम टाइम. कभी भी ये कोशिश ना करें कि मैं साथ साथ लिखूं भी और मैं साथ साथ अपने ड्राफ्ट को एडिट भी करता जाऊं, इससे आपका जो एक रिदम होगा लिखने का वो टूट जाएगा. और कभी भी ये फिक्र ना करें कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल परफेक्ट लिखूं. आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे, आप उसको रिव्यू करेंगे, फिर आप उसमें चेंजिंग्स करेंगे, देन यू विल गो फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, और इस तरह दो या तीन बार लिखने से आपकी चीज़ में परफेक्टनेस आ जाएगी. यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू होन योर क्राफ्ट बाई वीविंग योर राइटिंग एट थ्री लेवल्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड कोहेरेंट पैराग्राफ. जब आपने कोई चीज़ लिख ली है, एक पैराग्राफ आपने लिख लिया है या एक ड्राफ्ट आपने बना लिया है, अब आप उसको जब रिव्यू करेंगे आप तीन लेवल्स पे उसको रिव्यू कर सकते हैं. पहले आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को देखें कि वर्ड्स आपने किस तरह के यूज़ किए हैं. सेकेंडली आप कोशिश करें कि अफेक्टिव सेंटेंसेज के इस्तेमाल करें, और फिर जब आप पैराग्राफ की बात करें तो आपका पैराग्राफ कोहेरेंट आना चाहिए. उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो लिंक्ड होनी चाहिए, वो एक क्लियर कट वे में वो बात भी कन्वे होनी चाहिए. द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड यूजेज कैन बी अ सोर्स ऑफ वरी फॉर राइटर्स बिकॉज सम ऑफ दीज रूल्स आर कम्प्लेक्स एंड सम इवॉल्व ओवर टाइम. अगर हम ग्रामर के रूल्स की बात करें तो बाज़ुकात तो हम उन्हें देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप उनको ईजी लें, आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. विद अ पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आपको ग्रामर के रूल्स भी समझ आ जाएंगे. बैलेंसिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड्स. एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से मुराद ऐसे वर्ड्स जो किसी आइडिया या किसी कॉन्सेप्ट या किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और कंक्रीट ऐसे वर्ड्स के जो किसी ऐसी चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं. तो कोशिश करें कि हर दो तरह के वर्ड चूज़ करें. अगर आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी राइटिंग मुश्किल बन जाएगी, आपके ऑडियंस या आपके कस्टमर के लिए उसको समझना मुश्किल बन जाएगा. एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेसेस अ कॉन्सेप्ट, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक. कंक्रीट स्टैंड्स फॉर समथिंग यू कैन टच. एब्स्ट्रैक्शन टेंड टू बी फजी. एब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले बात की, जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होंगे, अगर आपने अपनी राइटिंग में ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड चूज़ किए हैं तो इससे आपकी जो राइटिंग होगी वो मुश्किल बन जाएगी, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा. ट्राई टू बैलेंस एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स विद कंक्रीट वंस, द जर्नल विद स्पेसिफिक. कोशिश करें कि आप एक इक्वालिटी रखें अपनी राइटिंग में ताकि बात अच्छे से कन्वे हो जाए. फाइंडिंग वर्ड्स दैट कम्युनिकेट वेल. ऐसे अल्फाज चुनें कि जिनकी मदद से आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें. चूज स्ट्रॉन्ग एंड प्रिसाइज वर्ड्स. आपके अल्फाज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए. चूज़ फेमिलियर वर्ड्स. ऐसे अल्फाज चुने कि जो आपकी ऑडियंस को के लिए समझना आसान हो, ऐसी वोकैबलरी हो कि जिसको वो आसानी से समझ सकें. अवॉइड क्लिचेस एंड यूज़ बज़ वर्ड्स केयरफुली. आप जोर्गन्स का यूज़ जब करने लगें या तो आप जब कभी भी
किसी किस्म के मुहावरे जब इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल करें जो आपकी ऑडियंस के लिए समझना आसान हो, और बड़ी केयरफुली आप उसको यूज़ करें ताकि एक वो जो राइटिंग में जो एक सेंस है, जैसे हमने पहले बात की थी, एक सेंसिटिविटी है, उसको अपने सामने रखना है कि आपकी ऑडियंस को वो बात समझ आएगी कि नहीं आएगी। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप एक अच्छे राइटर होते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस को वो बात समझ नहीं आती। बिज़नेस में अगर आपकी बात आपकी ऑडियंस को समझ नहीं आ रही तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग, वट एवर यू आर राइटिंग, आप कोशिश करें ऐसे वर्ड्स सेलेक्ट करें कि जो आपकी ऑडियंस के लिए समझना आसान हो, ना कि आपके लिए उनमें लिखना आसान हो। ये चीज़ आपने देखनी है। और ये सब कैसे होगा कि जब आप अपनी किसी भी चीज़ को ऑडियंस के नुक्ते नज़र से देखेंगे। कंपोजिंग योर मैसेज, क्रिएटिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास चार तरह के सेंटेंसेस आते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से मुराद ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही जुमला होता है, जिसमें एक ही क्लॉज होती है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज्ड 25% इन द लास्ट ईयर। अब ये एक ही क्लॉज या एक ही जुमला है जिसमें आपको बात क्लियर मिल रही है। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस से मुराद ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो क्लॉजेस होती हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब अगर आप उनको अलग अलग भी रख के बात करें तो आपको बात समझ आएगी। जैसे वेजेस डिक्लाइंड बाय 5% एंड एम्प्लॉय टर्नओवर हैज़ बीन हायर देन एवर। अब ये दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं और आप इनको अलग अलग भी रख कर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको इकट्ठे रख के बात करते हैं तो फिर भी बात ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस से मुराद ऐसा सेंटेंस कि जिसमें एक मेन थॉट होती है, जिसे आप किसी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ज़रिए कन्वे कर रहे होते हैं, और देर इज़ एन अदर क्लॉज जो डिपेंडेंट होती है, जिसकी बात समझ नहीं आ रही होती। जैसे आप देख सकते हैं, although you may question John's conclusions, you must admit that his research is thorough. अब ये जो आपकी पहली क्लास है ये डिपेंडेंट है सेकेंड क्लास पे, और जो सेकेंड क्लास है वो एक इंडिपेंडेंट है। यू मस्ट एडमिट दैट हिज रिसर्च इज थोरो। अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये इंडिपेंडेंट है, वेयर द फर्स्ट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड वन। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस से मुराद ऐसा सेंटेंस कि जिसमें देर आर टू मेन क्लासेस और उसके अलावा एक क्लास ऐसी होती है कि जो सबऑर्डिनेट होती है, जो दोनों में से किसी एक क्लास को डिफाइन कर रही होती है। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज 25% इन द लास्ट ईयर, सो ऑल्दो द कंपनी फेसेस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, आई एग्री दैट इट्स शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स लुक क्वाइट पॉजिटिव। Using sentences styled to emphasize key thoughts. When you want to call attention to a thought, choose extra words to describe it. Consider this sentence. जब कभी आपने किसी idea की तरफ attention seek करनी हो तो extra words के ज़रिए आप उसको describe करें। जैसे example है, the chairperson called for a vote of the stakeholder. अब द चेयरपर्सन कॉल्ड फॉर अ वोट पर भी बात ख़त्म हो रही है, ऑफ द स्टेक होल्डर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने लगाए हैं ताकि हम जो वोट की बात कर रहे हैं या जो आइडिया हम दे रहे हैं उसको थोड़ा सा इंसिस्ट कर सकें। टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेयरपर्सन, यू माइट डिस्क्राइब हर मोर फुली। जब आप चेयरपर्सन की बात करते हैं तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा भी बता सकते हैं उसके बारे में। जैसे हैविंग कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट टेक ओवर बैटल्स, the chairperson called for a vote of the stakeholders. अब ये जो पहली पूरी क्लॉज है ये the chairperson को define कर रही है या describe कर रही है। You can increase the emphasis even more by adding a separate short sentence to augment the first. आप एक extra भी sentence add कर सकते हैं कोई बात करते वक्त, जैसे the chairperson called for a vote of the stakeholders. She has considerable experience in corporate takeover battles. अब ये जो दूसरा जुमला आप लेके आए हैं ये एक एक्स्ट्रा बात आपने की है, लेकिन ये बात लिंक्ड है पिछली बात के साथ, उस बात को एक तरह से ये उसकी वजाहत कर रही है।
You can also call attention to a thought by making it the subject of the sentence. In the following example, the emphasis on the person. आप अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं तो आप उसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं. जैसे सेंटेंस में हम सिंपली जो एम्फेसिस है वो किसी भी बंदे पर है, जैसे आई कैन राइट लेटर्स मच मोर क्विकली यूजिंग अ कंप्यूटर. तो आप देख सकते हैं आई कैन पे ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस है. लेकिन हम क्या करेंगे, हाउएवर व्हेन यू चेंज द सब्जेक्ट द कंप्यूटर टेक्स सेंटर स्टेज. द कंप्यूटर इनेबल्स मी टू राइट लेटर्स मच मोर क्विकली. अब हमने कंप्यूटर पे एम्फेसिस करना था तो हमने कंप्यूटर को सब्जेक्ट की जगह पर ले आए और हमने एम्फेसिस अब कंप्यूटर पे कर दिया. अनदर वे टू एम्फेसाइज एन आइडिया इज टू प्लेस इट आइदर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एक और तरीका ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे जोर देना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, आप उसको स्टार्ट में भी ला सकते हैं, एंड पर भी ला सकते हैं. लेस एम्पथेटिक होगा अगर आप ये कहते हैं वी आर कटिंग द प्राइस टू स्टिमुलेट डिमांड, ठीक है. और अगर मोर एम्पथेटिक करना चाहते हैं यू कैन से टू स्टिमुलेट डिमांड वी आर कटिंग द प्राइस. कंपोजिंग योर मैसेज. कंपोजिंग योर मैसेज इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेज जहाँ आपको अपनी स्किल का राइट यूज़ करना होता है. क्राफ्टिंग कोहरेंट पैराग्राफ. आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, तीन एलिमेंट्स हैं किसी भी पैराग्राफ के. सबसे पहले आपका टॉपिक सेंटेंस होगा. जब आप किसी भी पैराग्राफ को बिगन करेंगे आप एक टॉपिक सेंटेंस में बताएंगे कि आप उस पैराग्राफ में क्या बात करने लगे हैं. फिर आप वहाँ पर सपोर्टिव सेंटेंसेस लाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस के जो सपोर्ट करेंगे आपके टॉपिक सेंटेंस को. फिर उसमें ट्रांजिशंस भी होंगी. ट्रांजिशंस क्या हैं ये हम आगे चल के देखते हैं. हम एग्जांपल्स देखते हैं. द मेडिकल प्रोडक्ट्स डिवीजन हैज़ बीन ट्रबल्ड फॉर मेनी इयर्स बाय पब्लिक रिलेशंस प्रॉब्लम. अब ये टॉपिक सेंटेंस है जिसमें आप मेडिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और ये जो बाकी सारे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो इस पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे. ट्रांजिशन की हमने बात की थी, हम देख लेते हैं. ट्रांजिशन से मुराद ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, जैसे बट एंड और नेवर द लेस हाउएवर. इको अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम अ प्रीवियस पैराग्राफ और सेंटेंस. किसी भी वर्ड या फ्रेज को आप लिंक करें उसके बैक के साथ ताकि जो बात हो वो समझ आए, एक लिंक रहे. यूज़ अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ नाउन यूज्ड प्रीवियसली. ऐसे प्रोनाउंस को यूज़ करें जो पीछे रेफर करें पहले यूज्ड नाउंस की तरफ. एडिशनल डिटेल दें आप बात करते हुए. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे आप बात करें. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से मुराद ये है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि जो ऐसे कॉन्सेप्ट को वाजे करें, जैसे देयरफॉर, बिकॉज, अकॉर्डिंगली, दस, कंसिक्वेंटली, इस तरह के वर्ड्स के इस्तेमाल करें. कंपैरिजन, आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो कंपैरिजन को शो करें, जैसे सिमिलरली, हेयर अगेन, लाइकवाइज. फिर जैसे कंट्रास्ट पे बात करें, कन्वर्सली, वेयर एज, नेवरदीलेस. कंडीशंस को डिफाइन करें ऑल्दो या इफ़ की मदद से. इलस्ट्रेशन लाएँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल का वर्ड लाते होते हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर, इन दिस केस, फॉर इंस्टांस, ठीक है. टाइम सीक्वेंस पे बात करें, फॉर्मली, आफ्टर, व्हेन, मीनवाइल, सम टाइम. इंटेंसिफिकेशंस पे बात करें, जैसे इंडीड, इनफैक्ट, इन एनी इवेंट. समरी पे जब आप बात करने लगें, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, टू सम अप. और रिपीटेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो दैट इज़, इन अदर वर्ड्स, एज आई मैंशनड अर्लियर. ये तमाम क्या करेंगे, ये आपके पैराग्राफ को कोहेरेंट करेंगे, आपकी बात को पिछली बात के साथ लिंक करेंगे. कहीं पे कंपेयर करेंगे, कहीं पे कंट्रास्ट लाएंगे, कहीं पे इलस्ट्रेट करेंगे, कहीं पे एक समरी की तरफ लेके आएंगे, कहीं पे बातों को रिपीट करेंगे. ऑल इन ऑल क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पैराग्राफ को यूनिफाइड, कोहेरेंट, कॉम्प्रिहेंसिव कर देंगे.
यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कंपोज योर मैसेज। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अहम है आज के दौर में किसी भी मैसेज को कंपोज करने के लिए। आपके पास स्टाइल शीट्स होती हैं, स्टाइल सेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, थीम्स, आप इनको यूज़ करें अपनी राइटिंग या कोई भी चीज़ जो आप टाइप कर रहे हैं उसको एक अच्छी शक्ल सूरत दें। बॉयलर प्लेट डॉक्यूमेंट कंपोनेंट्स, आप कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करें कि जिनकी मदद से आपके लिए टाइपिंग आसान हो। समटाइम आपको ऑलरेडी पहले से ही एक फॉर्मेट मिल जाता है, आपको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चीज़ें लिखनी होती हैं, तो कोशिश करें कि अगर कोई फॉर्मेट ऑलरेडी एक किसी जगह पे कोई फॉर्मेट एक तरह से सेट है, आप उसके अकॉर्डिंगली लिखें ताकि आपका जो काम हो वो ऑब्वियस या ऑकवर्ड ना लगे, अजीब ना दिखे। जैसे पहले से काम चल रहा है वैसे भी आपका काम लोगों के लिए समझना या उनके लिए उसको देखना आसान हो। ऑटो करेक्शन और ऑटो कम्प्लीशन, कोशिश करें कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं वर्ड में या आप वर्ड पैड पर लिख रहे होते हैं या आप कभी पावर पॉइंट पर लिख रहे होते हैं तो ऑटो करेक्शन के एक ऑप्शन होता है, आप उसको ऐड करें। समटाइम ऑटो कम्प्लीशन का एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर आप ईमेल टाइप कर रहे हों, आप कोई एक दो वर्ड्स लिखते हैं तो उसके बाद वो आपको बताता है कि क्या आप सेंटेंस को ऐसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करें। फिर इसी तरह एक ऐप है ग्रामरली, उसको यूज़ करें। ग्रामरली क्या करेगा कि आपको ग्रामरली ये करेगा कि जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं उनसे आपको बचाएगा, इसी तरह स्पेलिंग मिस्टेक्स और बाकी चीज़ों से भी आपको बचाएगा। थैंक यू सो मच।